अज फिलौर विच धम्मा फाउंडेशन आफ इंडिया वल्लों पंजवां सालाना विशाल जैपी चेतना मार्च फिलौर अंबेडकर बुद्धा लर्निंग सेंटर तो कढ़िया गया। यह मार्च पिंड गढ़ा तो शुरू होकर फिलौर के बख बख शहर बाजारों तो हुंदा होया अंबेडकर चौंक विखे समापत होया। मार्च लई राह विच चाह दा लंगर लगाया गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के स्टैचू ते फुलां दे हार पाए गए ते संविधान बचाओ के नारे लगाए गए। एडवोकेट संजीव होरा ने बाबा साहब के जन्मदिन दियां वधाइयां दित्तियां ते कहा कि जे भारत नूं बचाउणा है तां बाबा साहब दा लिखिया संविधान बचाउणा होवेगा ते पूरी तरह लागू करवाना होवेगा। फिलौर तो अमरजीत सिंह मोनू की खास रिपोर्ट। जय भीम जय भारत। अज परम पूजे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के 130वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य के इलाके दियां समूह मिशनरी जथेबंदियां वालों अंबेडकर बुद्धा लर्निंग सेंटर पिंड गढ़ा तो जय भीम चेतना का आयोजन किया गया सी, जिस विच सैकड़े नौजवान साथियों ने मिशनरी बुजुर्ग साहिबान साथियों ने और इलाके दियां नामवर शख्सियतों ने हिस्सा लिया और ये मार्च गढ़ा तो शुरू हो के वख वख इलाकों के दौरा करता होया अज अंबेडकर चौंक फिलौर के पहुँचया है, जिथे जथेबंदियों के समूह कारकुना वालों बाबा साहब नूं शरदा दे सुमन अर्पित किए गए हैं और भारतीय संविधान और बाबा साहब का जो पुत्रण धम्मा आ उस ग्रंथ नूं हाजर नाजर मन के संकल्प लिया गया है कि भारतीय संविधान की रक्षा के लिए इस देश के बहुजन समाज के लोग अपना खून का एक एक कतरा भी बहाने के लिए तैयार हैं और ये जो सरकार इस देश के बीजेपी और अलायंस पार्टनर की सरकार होंद में आई है ये ईवीएम की सरकार है। ईवीएम के ईवीएम मशीन के गड़बड़ी करके इस देश के लोकतंत्र का घाण करके इस देश के दबे कुचले समाज के लोगों नूं लंबे समय तक गुलाम बनाई रखण का एक षडयंत्र है और अज की 130वीं जयंती के उत्ते नौजवान साथियों ने संकल्प लिया है कि वह आने वाली 2022 की इलेक्शन विच और आने वाली लोक सभा चोणों के ईवीएम नूं बंद करन दा मुद्दा जोर शोर नाल उठाउणगे और समाज के जागृति लियाउणगे कि वह मुड़ तो ये बीजेपी और अलायंस पार्टनर सरकारां नूं ना चुनन तां कि इस देश दे विच भारतीय लोकतंत्र भारतीय संविधान की रक्षा की जा सके। थैंक यू जय भीम। मैं समुचे संसार वासियों नूं अंत विच इस चैनल के माध्यम तो लख लख वधाई दिंदा हां। थैंक यू जय भीम।